दिल्ली हाईकोर्ट ने समन जारी किया है कांग्रेस के नेताओं ने, जो उन्होंने बीजेपी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में टिप्पणी की थी। हमारे साथ रमेश विदुरी जी हैं, बीजेपी सांसद। सर, हाईकोर्ट का ये आदेश है, कैसे देखते हैं आप? देखो, संवैधानिक जिन पदों का सम्मान कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया, उनको चुनाव हराया, उनको रास्ते से हटाने का प्रयास किया जिन्होंने संविधान बनाया। तो कांग्रेस को कहीं लगता है ये कि हम सुपरमैन हैं, हम बड़े घराने के लोग हैं, कांग्रेस के लीडरशिप को भी लगता है। और कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन भी है कि देश ने उनको नकार दिया, उनके अत्याचार, उनके तुष्टीकरण, उनके देश के साथ समझौते, दुश्मनों के साथ में देश के गरीबों का हक और अधिकार ना देना, इससे देशवासियों ने उनको नकार दिया। तो कांग्रेसियों की फ्रस्ट्रेशन है कि संवैधानिक पद पर बने रहने वाले ऐसे सम्मानित लोगों के साथ भी वो टिप्पणियाँ करते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं। ये इनके खिलाफ सोनिया जी को आगे बढ़कर ये संज्ञान लेना चाहिए। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया पर इस मुद्दे से जुड़े जो भी कंटेंट है वो हटाए जाए। अब ये तो कानून है, कानून अपना काम करेगा, हटाने चाहिए। अगर वो नहीं हटाएंगे तो हाईकोर्ट आगे संज्ञान लेगा। लेकिन मैंने जैसे कहा है, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है और इस फ्रस्ट्रेशन के खामियाजे इनको डे बाय डे भुगतना पड़ रहा है और देश ने इनको घर बैठाने का काम वन बाय वन कर दिया है। इस बार 40 है, अगली बार 4 रह जाएंगे। पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।